नमस्कार भाई सबका, और अपना देख रहे हैं सुना दादू कार्यक्रम विशाल चैनल में। और आज हम एक नए मुद्दा का लेके सतना के वरिष्ठ पत्रकार भाई केशव जी के साथ बैठे हैं और इन में हम पंचे आज चर्चा करब। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार दादूली भाई। तिवारी जी, एक थे या अब मध्य प्रदेश के राजनीति में एक थे नवस यूफा आएगा का बहुत दिन से हैरान रहे राजा पटेरिया। राजा पटेरिया पहले हम पंचे कभी सुनत रहे हैं जब मंत्री वंत्री रहे, दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री रहे, दिग्विजय सिंह के सरकार में मंत्री, बड़े मुखर मंत्री रहे, बड़े मुखर मंत्री रहे, पर बड़े नाटकीय आदमी रहे, अब बेचारू हैराए गए रहे। हाँ, हैराए गए रहे। और वह हैराने हैराने ऐसा एक थे बयानी जारी कर दी किला प्रधानमंत्री की हत्या कर दी जाए, और ओहिन सैनी इतना भूचाल आवा मध्य प्रदेश के राजनीति में, कांग्रेस के राजनीति में, भाजपा के राजनीति में, और उन तो भैया भला बिचारू जेलों चले गए। तो तिवारी जी, ये का आए कैसा ना आए उनको समझाई थोड़ी। एक का होता है कि एक शब्द है बड़ बोलापन, और अपना भारतीय राजनीति में या प्रदेश के राजनीति में देख, हाँ हाँ, तो बहुत सारे नेता अपना कहीं अतर मिल नहीं है जिनके अंदर एक ये प्रवृत्ति ही, हाँ हाँ, बड़ बोलापन के, हाँ, जैसे सुरून से रहे, हाँ, माने जैसे ये तर के प्रवृत्ति दिग्विजय सिंह में ही, हाँ, क्यों कहो आरएसएस के बारे में टिप्पणी कर दिया, हाँ, है तो कहो हिंदू, हाँ, के बारे में टिप्पणी कर दिया, लादेन जी कहे, हाँ, लादेन जी कहे, तो माने ये एक का होता है बड़ बोलापन होता है या एक सोची समझी रणनीति होती कि हम ही अपने आपका चर्चा में कौन मेल ले आवे कहे। तो जो उन राजा पटेरिया हैं वो दिग्विजय सिंह के सरकार में मंत्री रहे, समाजवादी विचारधारा के ही नेता है, हाँ, हाँ, और जमीनी नेता है, माने आम जनता से जुड़े रहते हैं, माने जीत तो रहा, जीत तो रहते। तो अब देखी उनके मुंह से बातचीत के दौरान में वो बात निकल गई। अब होत का है कि ये तर के मुद्दन में जब कोनो चीज निकल जाती कोहू के मुंह से, हालांकि वो जब पूर्व वीडियो अपना सुनब तो वह वीडियो में यह कही नहीं कि हत्या का मतलब यह है कि चुनाव के मामले में भारतीय जनता पार्टी का जब तक हरैया ना तब तक ये चीज़ें माने नहीं तो सम माने जात पात का बांट दे है पूर्व वीडियो, लेकिन वो कहीं ना कि रोको मत जाने दो, तो कहीं आगे वाला सेंटेंस खत्म होगा रोको मत सुन लिए, कहीं रोको 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 जाने दो वाला कोई काम ही नहीं है, तो वह तर के बात आ हो गई। लेकिन अब बैठे बैठाए उनके मुँह से निकल गा, अब भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा मिलगा, हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो तुरंत लोग, हाँ, माने वो तो माने अब उन्हें जाकर जैसे बयान एक थे आगे शिवराज सिंह के कि हम सामान्य नागरिक संहिता लागू, हाँ, तो वही का कांग्रेस वाले जाने नहीं पावता, हाँ, बिचारू आरिफ मसूद को वहाँ हमें तो विरोध कर दिया, विरोध कर दिया, भला जाना कुछ आऊ नहीं बढ़ाया नहीं, वहाँ एक मुद्दा, वहाँ एक मुद्दा, तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का पहले चाहे जो रहा हो, हाँ, लेकिन इस समय जो थिंक टैंक है, हाँ, आईटी सेल है, हाँ, हाँ, ये इतना हमलावर है, हाँ, कि वो बिल्कुल जैसे नहीं कि काग चेष्टा बकुल ध्यानम वाली जो नहीं, हाँ, तो बकुलास ध्यान लगाए रहते कि तुम कुछ कहे, हाँ, कि हम वही लपकेन, तो जैसे पटेरिया जी कहें, हाँ, कि प्रधानमंत्री के हत्या के मामले में, हाँ, तो होगा भारतीय जनता पार्टी अब गनीमत यही, हाँ, माने गनीमत यही अगर जो यह संविधान में यह व्यवस्था हो तो राजा पटेरिया के खिलाफ हर थाने में मुकदमा दर्ज हो जाता, हाँ, और उनका जिंदगी जेल में चक्की कहनी है थाने से रीते, तो वह थाने अच्छा, जेल तो चले गए, जेल चले गए, जमानत नहीं भय, हाँ, अब वो मां आगे पीछे। लेकिन एक चीज भा कि अब उनके मन में रहा कि नहीं रहा कि हम ये तरह से चर्चा करके हम ही अपने आप का सुर्खियों में माने ले आए लेख है जी, जौने राजा पटेरिया का को प्रदेश में माने भूल गया रहा, हाँ, मंत्री जब रहे तो जानत रहे, प्रदेश के अंदर आजो ऐसा तमाम मंत्री हैं, हाँ, जिन्हें मंत्री भय के बाद को नहीं जाने, को नहीं जाने प्रदेश में, नहीं जाने उनके जिला में, नहीं जाने माने कई ऐसा नहीं कि बस वही मंत्री है, कोनो व्यवस्था के तहत उन्हीं मंत्री बनाए देंगे कि कोनो जातिगत कोटे में फिट हो गए या कोनो कोटे में फिट हो गए या कोनो बड़े नेता का उन्हीं बरदहस्त प्राप्त रहा उन्हीं मंत्री बना देंगे, हाँ। लेकिन उन्हीं पता चला कि गांव का आदमी ठीक से नहीं जाने वो मंत्री बन गए, तो मंत्री रहे जब तक लोग कुछ जानत रहे। लेकिन 15-20 साल में, हाँ, एक पीढ़ी का भारतीय जनता पार्टी जो है वह लटा दी, इसका तुम पांच घर बैठ जा, 20-20 साल से सरकार में ही
तो जे लोग विधायक बने की प्रत्याशा में रहें, सांसद बने की उम्मीद में रहें, मंत्री बने, तो उन्हीं भारतीय जनता पार्टी माने लटाया जिसके अब तुम रिटायरमेंट नहीं ले। फिर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कहूँ कहूँ राहुल भैया का नाम आ जाते हैं। हाँ, इनकर राजा बाबू का तो कहूँ। अरे माने राजा पटेरिया हन का माने अब कहूँ जनसी नहीं रहा, लेकिन ये तर कहूँ बयान दे दीन। तो आज माने जब मीडिया में प्रदेश की सुर्खियाँ बना थी तो पहले नंबर में आ जाता है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिला के हटा के एक नेता राजा पटेरिया जो उन पूर्व मंत्री रहे प्रधानमंत्री के बारे में ये तर कही दी। अब भाका कि उनके ये बयान से भाजपा तो ही लोग ली, कांग्रेस की स्थिति बड़ी असहज हुई। अच्छा, कांग्रेस वाले का कहा स्थिति कांग्रेस जी, अब कांग्रेस अब देखिए ना भारतीय जनता पार्टी का कहे कहीं उनका बड़ा नेता जो उन्होंने भारत जोड़ो के यात्रा निकाल रहा है, अही कहा थे प्रधानमंत्री की हत्या करा जाए, तो ये कौन मेर के भारत जोड़ो यात्रा है। तो कांग्रेस का अब काबा जब भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती तो वह कहा थी यह आए कांग्रेस का असली चरित्र, हिंसा, दंगा, विस्फोट, वैमनस्य, मैंने ये तरह के तमाम मुद्दा। अब उन्हीं तो कहा है देखी उन्हीं मुद्दा मिलगा। तो अब राजा पटेरिया के चक्कर में कांग्रेस जो उन्हीं वो बैकफुट में ही। अच्छा अच्छा, कांग्रेस से उन्हें चिट्ठी लिख दी कि तीन दिन के अंदर तुम जवाब दिया कि यह कहा है तुम्हार बयान है मैं तुम्हार, और अगर संतोषजनक जवाब न पाओ जाई तो राजा पटेरिया का कांग्रेस से निकाली दिया है। अब जेल में हम विचार। हाँ, जेल में है, तीन दिन में तो चिट्ठी की जवाब नहीं दे सके। अगर मान ली एक स्थिति यह हुई राजा पटेरिया, देखिए कांग्रेस जो उन्हीं कांग्रेस में एक स्थिति है कि कांग्रेस में गुटबाजी कभी नहीं खत्म हो सके। तो राजा पटेरिया आए दिग्विजय सिंह गुट के। अच्छा, तो राजा पटेरिया जब यह तरह के बयान दे दीन तो कमलनाथ कहन के अच्छा रूक अब बताई थे तो ही तू वही चूंकि प्रदेशाध्यक्ष है तू वही चिट्ठी लिख दी। और कोनो बड़ी भारी बात नहीं है कि राजा पटेरिया को निपटाई दिया है, निकारी दी नहीं है कि भाई ये तरह के बयान से हम सब माने हम इस तरीके की राजनीति और इस तरीके के बयानों से अपने आप को अलग करते हैं, ये राजा पटेरिया के अपने व्यक्तिगत विचार होंगे और ऐसे विचारों को कांग्रेस में जगह न दीन जाए। तो ये तरह कह के उन्हें निपटा दिया है। तो हो सकता देखिए वैसे बूढ़ हैं। हाँ, तो अब कुल मिला के जिंदगी के या नहीं कहा जा सके कि अंतिम पड़ाव में है, लेकिन चौथे पन में तो है, चौथे पन में है तो बहुत ज़्यादा शारीरिक सक्षमता नहीं है, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप के हिम्मतों नहीं है। कुल मिला के राजनीति करने वाला आदमी जब मृत्यु सैया में लेटा रहा थे तो वह राजनीति में संभावना अपन तलाश तो मैंने उन्हीं राजनीति में संभावना तलाशे के दिशा में कौन कार्यकर्ता के सम्मेलन में गए तो वह संभावना तलाशत हूँ बीची एस टुपुक दीन। हाँ, तो जब टुपुक दीन तो अच्छा कौन बड़ा कार्यक्रम हो रहा है मंडल मंडल के रहे छोटे। आजकल का है कि कार्यक्रम छोट हो चाहे बड़ा हो। हाँ, आजकल जब से एंड्रॉइड मोबाइल आए गए हैं। हाँ, तो अपना कितो छोट का प्रोग्राम करी तो दुई ठे रिकॉर्डिंग करे वाले मन ही ले रहा था। अच्छा, जो रिकॉर्डिंग करे वाले रहा तो यहाँ नहीं जाने कि हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यही वायरल कर जाते आखिर का अर्थ निकली का ऐसे अनर्थ हो जाई वो जहाँ रिकॉर्ड करी वो कहीं हमारे नेता निकाह बोली सी और तुरंत तुरंत 10-15-25 जने का जहाँ दो चार ग्रुप में डाली 2-4-500 लोगों का वायरल भा ओमा कोनो आदमी वही समझिस कि अच्छा फंस गया दादू मुँह फिर वही लोग लीन। तो राजा पटेरिया के साथ यह हो गया है। अब राजा पटेरिया बिचारू का है बुढ़ापे में अब जवानी में माने कोनो आंदोलन आंदोलन में जेल उल गए रहे कि नहीं गए रहे। अब ये एक उन्हों का लागत हुई कि ये ठंड में कहाँ से हमारे मुँह से निकल गा। ये ठंड में ससु मैंने घर में ठंडात रहा थे मैंने तब जेल में पड़े अब जेल में पड़े तो कहो ना कहो उन्हों को यह लागत हुई कि कहाँ से ससु हमार दिन एक मैंने सगली राजनीति धरी रह गई। हाँ, इतना उन्हें फायदा भा कि उनके ये बयान से उन्हें लोग प्रदेश में जाने लगे, बहुत सारे लोग देशों में जाने लगे, उन्हें चर्चा मिल गए, उन्हें एक मैने लोकप्रियता तो मिली। हाँ, कि राजा पटेरिया एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री के बारे में यह तरह का बयान दें कि हिम्मत रखत है। हाँ, तो बहुत चर्चा तो उन्हीं मिली। हाँ, लेकिन यह चर्चा से कांग्रेस का नुकसान भा। हाँ, यह चर्चा से उन्हों का नुकसान भा जेलोल चले गए। अब यह चर्चा से वो राजनैतिक तौर में जेल से छूट के आवत हैं तो यह चर्चा का कितना भुनाए पावत है वही अपने कितने माने अपने हित में लाया कितना वो समय बताई। लेकिन यह है कि चर्चाओं में आइए और कहो ना कहो भारतीय जनता पार्टी वही लोग ली जेल चले गए तो यह सब अब है राजनीति में यह तरह होते रहा था। हाँ, चलिए तिवारी जी बहुत अच्छा मैं आज बस कहा होगा और सबका राम राम और अगले मुद्दा का लेके फिर हम पंचे मिलम फिर चर्चा करब अपना पाचन से।